Assalamu alaikum everyone, this is Maria Khan, Sales and Marketing Manager of Amana.com. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे. और लास्ट टाइम मैंने न्यू मेट्रो सिटी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ जनरल डिटेल्स शेयर की थी एंड आई गॉट ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑन दैट वीडियो. तो मैंने आज सोचा कि मैं अपनी एक स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट करती हूँ अपने साथ इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने के लिए न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से. तो आज मेरे साथ मौजूद होंगी मैम मिशी खान, हु इज़ गोइंग टू ऑल्सो टेल यू अबाउट गुजर खान. हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ चीज़ें आप लोगों को बताएंगे और फ्यूचर में हम लोगों का प्लान है कंटेंट बनाने का रिगार्डिंग दिस सर्टेन प्रोजेक्ट एंड अ लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स दैट वी आर डीलिंग विद एज वेल. तो लेट्स वेलकम हर फर्स्ट ऑफ ऑल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल है हमारी आपके? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का फजल. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस. थैंक यू सो मच. हमेशा हम लोग कोई ना कोई नई चीज अपने व्यूअर्स के लिए लेके आते हैं. अस्सलाम वालेकुम जितने लोग देख रहे हैं हमारा जो YouTube का चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर लें और उसका बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो पता लगे. न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान. अब गुजर खान के हवाले से, क्योंकि मेरा वहाँ पे बहुत दफ़ा विज़िट भी हुआ है, मैं वहाँ की मार्केट्स और इधर उधर फिर भी चुकी हूँ. बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़े प्यारे लोग हैं और वहाँ की जो बिज़नेस कम्यूनिटी है उनके लिए ये बड़ी खुशाइन बात है कि अब वहाँ पर मेट्रो सिटी जो है वो बन रही है गुजर खान में. और उसके हवाले से हम लोग अब वीडियोस लेके आएंगे, बल्कि आपको किसी दिन साइट पे भी ले जाएंगे. वी हैव टू एंड वी आर एक्चुअली प्लानिंग ऑन दिस. इंशाल्लाह ईद के बाद हम लोग का प्लान है कि हम आप लोगों को उसके साइट विजिट के ऊपर भी लेके जाएं. लेकिन ये है कि आज की वीडियो में हम लोग जो है सारी गुजर खान के हवाले से और मेट्रो सिटी के हवाले से, इनके बैकग्राउंड के हवाले से, ये तमाम चीज़ें इसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो इसमें सबसे अच्छी एक बात है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है फ्यूचर के लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करना. और आजकल क्योंकि जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उनको बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इस प्रोफेशन में फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुस्तनद एक प्रोजेक्ट है मेट्रो सिटी गुजर खान. और जितने बाहर गुजर खान में जो जितने मुकीम हैं उनके बाहर जो लोग हैं ओवरसीज़ हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने एसेट्स को या अपना जो पैसा है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो मारिया, अब लेटेस्ट जो न्यूज़ है कि कहाँ तक प्रोजेक्ट पहुँचा है वो आप बताइए. मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ आपको कि जुलाई के जो एंड में जो है इसकी रेट्स और इसकी ओवरऑल जो टोटल लैंड है जो उन्होंने बाई की है वो सारी डिटेल्स जो है रिवील हो जाएंगी. मुझे बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी कि लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर टोटल लैंड कितना है, क्या है. इतना मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उसका जो एंट्रेंस गेट है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड है, नियर टू कम्प्लीशन है. और जो इस तरह की डिटेल्स हैं कि अभी प्राइसेस क्या है, उसकी प्राइसेस क्या होंगी और फर्दर मोर के इनका डेवलपमेंट को लेके क्या प्लान है, वो तमाम चीज़ें अभी थोड़ा सा उसको टाइम है आने में. लेकिन ये कि विद इन द टाइम पीरियड ऑफ यू कैन से 2 to 3 weeks की ये तमाम डिटेल्स जो है रिवील हो जाएंगी, इंक्लूडिंग इट्स प्राइस प्लान, ओवरऑल जो इनका आगे फ्यूचर प्लान है इस प्रोजेक्ट को लेके, इसका NOC का लीगल स्टेटस का जो पूरा इस टाइम पर चल रहा है उसके हवाले से. तो ये चीज़ें अभी ऑन गोइंग है, अभी वो आगे जाके हम लोग आपको बताएंगे. लेकिन हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली आपको बताएंगे इसके डेवलपर्स के हवाले से, उनका बैकग्राउंड क्या है, इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या चीज़ है कि वी शुड इन्वेस्ट ओवर देयर. बिकॉज मैंने जितना इस प्रोजेक्ट को स्टडी किया है और मैंने विजिट भी किया है, व्हाट आई नो इज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. नॉट जस्ट बिकॉज इस वजह से कि मतलब एक सोसाइटी है, इसके डेवलपर्स की वजह से बहुत ही क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं. बिल्कुल. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी सोसाइटी के लिए उसके डेवलपर्स होते हैं और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी. और सबसे बड़ी बात है मेन GT रोड जो है उसके ऊपर वाकई है, क्या अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कहीं भी जाना हो तो आपके लिए सब जगह जो है वो बड़ी एक्सेसिबल हैं, चाहे आपने इस्लामाबाद आना है, चाहे आपने आगे लाहौर जाना है. और साथ में इसमें सारी अमेनिटीज़ जो आपको मैसर होंगी वो भी आला क्वालिटी की. और जिस तरह इन्होंने कहा कि जो डिवेलपर्स हैं वो बड़े मुस्तनद हैं, वो बहुत ही क्वालिटी का काम करते हैं. और जो भी सोसाइटी मेरे ख्याल मारिया बनती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ हैं और जो कंस्ट्रक्शन की जो उसमें प्रोडक्ट्स यूज़ होंगी कि क्या क्या होंगी, ताकि लोग इतना अगर इन्वेस्ट करते हैं उसमें तो उनको फिर क्वालिटी प्रोडक्ट जो कि अगले 10 से 15 से 20 साल आपको, चाहे उसकी टॉयलेट्रीज हैं, चाहे उसका जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, और पानी का, गैस का, आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड्स एंड देन आपका हॉस्पिटल, और ये सब चीज़ें किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंस रखती हैं. सो मुझे ये बताएं कि इसमें प्लॉट्स के अलावा एक तो जो कमर्शियल एरिया होगा उसमें शॉप्स भी अवेलेबल होंगी,
उसके अलावा कितने से कितने मरले तक के प्लॉट्स अवेलेबल होंगे यहाँ पर? जो है सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स लॉन्च किए जाएंगे, तो वो जो एक स्टैंडर्ड होता है उस हिसाब से होता है, 5 मरला हो गया, 7 मरला हो गया, 10 मरला, 1 कनाल, जो उन्होंने लास्ट अपने प्रोजेक्ट डिलीवर किए उसमें 5 मरला है, 10 मरला है, 1 कनाल है, यही एक रेंज होती है। और इसी को जो है इसी में लोग कंफर्टेबल रहते हैं बाइक करने में, अक्सर 7 मरला भी होता है, वो भी मतलब एक 5 मरला से थोड़ा सा बड़ा साइज होता है, तो वो इस यही साइजेस होंगे जो स्टैंडर्ड है। कमर्शियल्स की जो जहाँ तक बात है, कमर्शियल्स की जो डिटेल्स है वो हमेशा थोड़े से बाद में आती है, पहले हमेशा रेजिडेंशियल की डिटेल्स आती है, तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को बता दूंगी। और ये कि इसकी मैं मेरे ख्याल से मैंने आपको शायद थोड़ा सा बताया था इसके डेवलपर्स के हवाले से। हां, डेवलपर्स के बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बात है कि जो डेवलपर्स है उनके बारे में जरूर बताएं। तो अच्छा मुझे आप बताएं, आप खुद भी मेरे ख्याल से बहरिया की रेजिडेंट है, राइट? ये जो प्रोजेक्ट है ये है BSN डेवलपर्स का प्रोजेक्ट। BSN डेवलपर्स बेसिकली इट्स अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ बिलास स्टील मिल्स, ओके, जिसको ओन करते हैं मलिक रियाज। आहा, फिर तो इसका मतलब नाम से ही काफी है, जहाँ पे क्वालिटी जो है लिविंग जो है क्वालिटी लिविंग जो है वो। और इट्स नॉट जस्ट दैट कि उनका नाम यूज हो रहा है, तो ये प्रोजेक्ट इन्होंने ग्वादर में गॉल्फ सिटी के नाम से अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर किया हुआ है, एंड इट गॉट आल्सो ओवरवेलमिंग रिस्पांस फ्रॉम पीपल, कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। फिर उन्होंने खारिया में झेलम के पास उन्होंने वहाँ पर अपना एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है। कुछ अर्से पहले मैं उसको साइट पर विजिट भी करने गई थी, एंड आई वॉज शॉक्ड एक्चुअली, आई रियली लव्ड देयर प्रोजेक्ट। बहुत मेगा प्रोजेक्ट नहीं है लेकिन इट्स अ वेरी गुड, मतलब जिस तरह से उन्होंने उसको डिलीवर किया हुआ है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो भी कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। उन्होंने उसको डिलीवर भी किया हुआ है, और इस टाइम पे जितने भी वहाँ पर प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे जो है रीसेल के ऊपर भी प्रॉफिट के ऊपर है, तो मतलब फ्रेश बुकिंग वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। तो नाम तो बेशक इनका मैटर करता है, बट अगेन उन्होंने वहाँ पर काम करके दिखाया लोगों को, इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स एंड इट्स नॉट जस्ट के मतलब कुछ है जो बस प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया कि नाम एक दफा बन गया, देयर इज नो वर्ड। अक्सर लोग ऐसा करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ पे, वहाँ पर उन्होंने नाम के साथ साथ उस काम को भी दिखाया, शो करवाया कि एक्चुअली दे हैव डन इट। तो ये उनका प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को जो लीड कर रहे हैं इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जारून, ही इज ऑल्सो, उन्होंने ही खारिया का और ग्वादर गॉल्फ सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसको उन्होंने ही लीड किया है। अच्छा, दे आर डूइंग एक्चुअली ट्रेमेंडस जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे। और न्यू मेट्रो सिटी की गुजर खान में आने की वजह से बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे स्पेस था गुजर खान में इस तरह के एक प्रोजेक्ट का। इस्लामाबाद गर्लफ्रेंडी में आ चुके हैं, उसके अलावा डिफरेंट और सिटीज, लाहौर में आ चुका है, मुल्तान में आ चुका है, शावर में भी आ चुका है, तो गुजर खान आई बिलीव एक ऐसी जगह रहेगी थी जहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट की बहुत जरूरत थी, और इसकी जो लोकेशन है वो बहुत जबरदस्त है, मेन जीटी रोड पे, देख लेना आप, वेरी क्लोज टू पिंडी इस्लामाबाद, एक्सेसिबल, बेसिकली इट्स अ वेरी कन्वीनियंट लोकेशन कि अगर आप उधर, इवन जो गुजर खान में रहने वाले नहीं है, कहीं और के रहने वाले, वो भी अगर इन्वेस्ट करें तो उनके लिए भी बड़ी एक्सेसिबिलिटी है कि अगर आपने लाहौर जाना है तो लाहौर जा सकते हैं, मेन जीटी रोड पे आपके कोई आपने बिजनेस भी स्टार्ट करना है अगर करीब में है तो आपकी रिहाइश जो है वो भी वहाँ पर। अच्छा, एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मरले, उसके अलावा 1 कनाल, 7 मरले भी है, इसके अंदर कुछ ऐसी भी एरिया होगा जहाँ पे जिस तरह सेट किस्म के टाउन हाउसेज होते हैं वो भी क्या बनेंगे, या आप अपनी मर्जी से जो एक स्टैंडर्ड होता है उसके साथ आप कंस्ट्रक्ट कराएं, या अगर आप प्लॉट ले लें तो आप अपनी मर्जी से बनवाएं, तो इधर कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पे टाउन हाउसेज हों या कॉटेजेस हों? अभी तक इन्होंने इस बारे में ऐसा कोई डिटेल्स रिवील की नहीं है, और यूजुअली होता यह है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट इस तरह से डिलीवर होता है ना, स्पेशली जो सोसाइटीज होती है वो अपने क्लाइंट्स को जो है डिफरेंट मॉडल ऑप्शंस दिखाते हैं, okay. कि हम लोग, आप लोगों को जब वो पोजीशन के करीब होते हैं वो उनको दिखाते हैं कि ये 3 मॉडल्स हैं, या ये 3-4 मॉडल्स हैं, या 2 मॉडल्स हैं, इसी तरह का हाउस बनेगा, तो इसमें से, क्योंकि जो मैप होता है ना घर का जो आपने वहाँ बनवाना होता है वो आपको उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। अच्छा, वो वाली चीज़ मेट्रो सिटी में अप्लाई होगी या नहीं इसके बारे में अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन यूजुअली दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस दैट गोज लाइक हर सोसाइटी का ये होता है, okay. जैसे ताज हो गया उनका भी ये है, और उसके अलावा एक दो सोसाइटीज और हैं वो भी इसी चीज़ को फॉलो करती है, आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि फिर उससे होता ही है कि पूरी सोसाइटी जो है जरा उसका एम्बियंस जरा एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में होती है, मतलब ये नहीं होता कि कहीं कुछ बना हुआ है, तो एक स्टैंडर्ड बेसिकली आपको पहले तो आप इन्वेस्ट कर लें प्लॉट में, हाँ. और वो उसकी डिटेल्स अभी अनकरीब जुलाई तक सारी डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी। हम इस वक्त आज आपके लिए शो इसलिए लेके आए हैं ताकि आप जितने गुजर खान में मुकीम लोग हैं और गुजर खान के जो लोग हैं जो कि बाहर मुकीम हैं ओवरसीज़,
उनके लिए खुशाइन बात है कि उनको अभी सोचे होंगे कहाँ इन्वेस्ट करें, तो अपने एरिया में इन्वेस्ट करें, सबसे अच्छी बात है, आगे आने वाली आपकी जनरेशंस के लिए भी अच्छा होगा। बल्कि आई हैव अ फ्यू क्लाइंट्स आल्सो इन गुजराखान और उनको मैंने सबको ये इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताया। हम इस प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिवली मार्केट करेंगे और उसकी वजह ये है कि हम उनके साथ एक्सक्लूसिवली काम कर रहे हैं और जैसे ही उसके रेट्स लॉन्च होंगे हम लोग जो है उसकी बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है अपना उस पूरी लिस्ट में नाम लिखवाया है कि जैसे ही प्लॉट्स लॉन्च हो यू हैव टू टेल अस, तो ये बड़ी जल्दी से सोल्ड आउट होगा। तो आई विल जस्ट से कि अगर आप लोग करवाना चाहते हैं उस टाइम का वेट मत करें कि कब जो है बुकिंग जो है वो ओपन होगी। एटलीस्ट मेक श्योर कि आप लोग हमें इन्फॉर्म करें, हमारे नंबर स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर सब चल रहा है, आप बताएं कि आप लोगों ने अपना प्लॉट बुक करवाना है ताकि हम लोग आपको उस लूप में रखें और हमें पता हो कि ठीक है हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनसे हम लोगों ने ऑलरेडी कमिटमेंट की हुई है, वी हैव टू डिलीवर दिस टू देम, तो फिर हम लोग आपको उसी हिसाब से जो है अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेंगे। एब्सोल्युटली, और ये कमेंट सेक्शन में भी आप आके बता सकते हैं, हमारा कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, और डिटेल्स या अगर आपकी कोई क्वेरी है वो आपने पूछनी है तो आप आके पूछ सकते हैं, आपको फौरन जो है कोशिश होगी कि जवाब मिल जाए, चाहे वह पाकिस्तान में है चाहे आप पाकिस्तान से बाहर हैं। अच्छा, एक और बड़ी एक जो इम्पॉर्टेंट सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो डिवेलपर्स हैं, तो वो आपने बताया कि बिलाल स्टील मिल वाले हैं और इनको जो हेड कर रहे हैं वो हैं मलिक रियाज साहब। हाँ, मलिक रियाज साहब जो है ओवरऑल बीएसएम को ओन करते हैं और ये उसकी आप कह लीजिए एक तरह से सब्सिडियरी कंपनी। हाँ, सब्सिडियरी कंपनी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो सोसाइटी का एक क्या कहेंगे मौजूद जो है वो मलिक रियाज साहब हैं जो सबसे पहले रावलपिंडी में उन्होंने बनाया, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जहाँ क्वालिटी की बात आएगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात आएगी और ओवरऑल एक पूरी उसकी जो लैंडस्केपिंग की बात आएगी उसमें, तो मुझे कहते हुए ये नहीं फील होना चाहिए कि वो बहुत ही अमेजिंग होगी। एंड उस चीज़ में तो आपने देखा कि उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो क्वालिटी में हमेशा कितने ही और प्रोजेक्ट से बहुत आगे होते हैं, बाकी लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनका क्योंकि स्टैंडर्ड सेट किया क्रॉस नहीं करना कह सका, और बाकी लोग भी जो सोसाइटीज बना रहे हैं वो उसी स्टैंडर्ड को टच करने की कोशिश करते हैं। सो ये सेट किया है कि दिस इज अ सोसाइटी, सो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल वो क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट होके इन्वेस्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर, और आजकल वैसे भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे लोग जो है सोच रहे होते हैं हम क्या करें, तो इससे बेहतरीन गुजर खान में अगर हो, बल्कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग जाएंगे भी ऑन साइट, आपको एक वीडियो जो है वो जरूर गुजर खान का भी थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को दिखाएगी कि वहाँ का माहौल कैसा है। इस तरह से वी विल शो यू ऑल ऑफ दैट, इट विल बी अ वेरी फन वीडियो क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो यूके में रहते हैं, गुजर खान के गुजर खान के काफी सारे लोग हैं जो यूके में सेटल्ड हैं और उन्होंने काफी अच्छे से गुजर खान शायद विजिट ना किया हो, वो हम आपको अपनी नजर से दिखाएंगे। मैं क्योंकि मैं वहाँ की मार्केट्स में गई हूँ, इतनी कूल एक ट्रेडिशनल उनकी जो मार्केट्स हैं बाजार्स हैं जो उनके पुराने ट्रेडिशनल, तो मैंने हमने सोचा साइट पे ले जाने से पहले थोड़ा सा एक क्विक सा टूर मैं और मारिया वहाँ पे थोड़ी सी आपको खरीदारी भी करके कि कितना मज़े की जगह है वो, और हर कुछ वहाँ पे मिलता है, हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, मुझे थोड़े अरसे पहले किसी ने बोला, एक कमेंट आया था आई थिंक कि जो रेट्स है ना लोगों को जो बताया गया कि एक रेंज होगी, उन्होंने बोला कि 25 से 35 लाख के बीच में ये लोग प्लॉट्स बता रहे हैं, गुजर खान में ज़मीन बड़ी सस्ती है तो इतने महंगे प्लॉट्स कौन खरीदेगा, किसी ने कॉमेंट किया, तो मैंने उस टाइम पे रिप्लाई नहीं किया उसका, लेकिन आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट। देखिए, कोई भी जो स्टैंडर्ड की चीज़ है अगर आपको ये अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको चीप रेट्स में मिल जाए तो ऐसा नहीं है। अभी आपने हम लोग अभी वीडियो शूट करने से पहले बात करें तो सीमेंट की प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, सरिया की प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट किधर चला गया है, तो प्लीज़ उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आप लोगों के बजट के अंदर ही होंगी लेकिन जिस तरह से इन्फ्लेशन आप लोगों को इफेक्ट करती है उस तरह जो बाकी बिजनेस के ओनर्स हैं, डिवेलपर्स हैं, मजदूर हैं, सब लोग हैं, वो चीज़ हम सबको इक्वली हिट करती है, तो वी हैव टू मूव अकॉर्डिंगली। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही क्रेजी हाई रेट्स होंगे, इट विल बी ऑब्वियसली बी अफोर्डेबल। और दूसरा, आप लोग प्रोजेक्ट देखें, दूसरा इसका जो लीगल स्टेटस है, ऑलरेडी टीएमए में इनके डॉक्यूमेंट सबमिटेड है, तो इनका लीगल स्टेटस हाफ क्लियर है, हाफ जो है ये लोग जब लॉन्चिंग करेंगे तब तक कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। सो
दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम. तो इफ़ यू आर एक्चुअली लुकिंग एट अ प्रोजेक्ट जिसका जो कि कम्प्लीटली क्रेडिबल है, उसके डिवेलपर्स इतने क्रेडिबल है, उसका लीगल स्टेटस क्लियर है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वो आपको दे रहे हैं, इतनी स्टैंडर्ड की लिविंग वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से एक प्लॉट जो कि इस रेंज में आता भी है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स कॉस्टली. व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली. इस पे इन्फ्लेशन की बात हो रही थी कि सुपर टैक्स अभी लगा है जिसमें सीमेंट, सरिया, जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, तो जो डेवलपर्स होते हैं, जाहिर है वो जो मजदूर को या किसी को डेली जो वेजेस हैं वो भी बढ़ जाएंगी. इसी तरह जहाँ पे फर्ज करें 600 रुपए की बोरी सीमेंट थी, वो अब 1000 प्लस की हो गई है. तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए आपको भी थोड़ा सा कि जी बहुत ही सस्ते तो चीज़ें इस वक्त कुछ भी नहीं है. इस वक्त आपको हवा भी सस्ती नहीं मिलेगी, आपको सांस लेना भी सस्ता नहीं मिलेगा. सो उसको देखते हुए अगर क्रेडिबल जगह है, और इसमें बेसिकली ये नहीं कि आपने वहाँ पे रहना ही हो, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि जब तक वो जगह डिवेलप होती है, आपके पास एक फर्ज करें 5 मरले का प्लॉट पड़ा हुआ है, वो जितनी डिवेलप होगी उतनी उसकी प्राइस हमेशा सोने की और प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ती है, कम नहीं होती. तो वो बढ़ती जाएगी. कभी आपको खुदा ना करे कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ भी, देखें कुछ भी किसी के साथ हो सकता है, तो उसको उसके पास एक चीज़ है, उसको अगर आपने सेल करना है तो वो जहाँ आपने मे बी 1 करोड़ की ली है तो वो 2 करोड़ उसकी सेलिंग प्राइस हो सकती है. सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट आपका कोई ऐसी चीज़ पड़ी होनी चाहिए सॉलिड जो कि आपको मुश्किल वक्त में काम आए. ज़रूरी नहीं कि आपने वहाँ घर ही बनाना है. कि जितने लोग बाहर भी हैं उनको होता है कि यार हमने पैसा जमा किया हुआ हम बुरे टाइम के लिए या आपके रेनी डेज़ के लिए, तो बेसिकली खाली पैसा जो है वो बजाय इसके आप उस पर इंटरेस्ट लें, आप एक जगह ले लें अपने लिए, उसको बाद में आप सेल भी कर सकते हैं. और ये टैक्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं, रिसेंटली हम लोगों ने एक लाइव सेशन किया था, उसमें भी मैंने ये बात एक्सक्लूसिव डिस्कस की थी, क्योंकि मैंने देखा कि लोग बहुत ज्यादा मिसलीडिंग किया जा रहा है, मतलब काफी ज्यादा मिसलीड कर रहे हैं दूसरे यूट्यूबर्स, काफी लोग हैं जिनको पता भी नहीं कि बजट के ऐसे में चीज क्या थी. एक इस तरह से बेसिकली प्रपोजल दिया गया था कि जो है टैक्सेस हम बढ़ाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, जो 2.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एक फर्दर टैक्स लगाया है, वो उसकी डिटेल वीडियो की मैं अलग से बना दूंगी, लेकिन जस्ट फॉर दिस वीडियो आप लोग अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं आप लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट टेंजिबल येट, ठीक है. ये जो प्लॉट आप लोगों का होगा इट्स इन अ फाइल फॉर्म और अभी तक ये टेंजिबल नहीं है. कैसे? क्योंकि ना तो अभी तक इसकी बैलेटिंग हुई होगी और इसको पोजेशन भी अनाउंस नहीं किया गया, तो आप लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है. और जो टैक्स पहले था फाइलर्स के लिए 1%, नॉन फाइलर्स के लिए 2%, अभी तक वही है. और अगर हो भी जाता है, लेट्स सपोज आप लोगों को बैलेटिंग के प्रोसेस में और उसके अलावा आप लोगों को पोजेशन भी जब अनाउंस हो जाता है तो टैक्स वही रहेगा. इन लोगों ने इंक्रीज करने की कोशिश की थी मगर वो अप्रूव नहीं हो सका अभी तक, तो वो 1% and 2% के हिसाब से रहेगा. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम. जो बजट आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगर मैं बात करूँ, फाइल्स के हवाले से बात करूँ, प्लॉट्स के हवाले से बात करूँ, तो इसमें कुछ भी आप लोगों के ऊपर खास फर्क नहीं पड़ने वाला. तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए टैक्स तो अब हर चीज़ पे है, चाहे बिजली है, पानी है, जो कुछ भी है, लेकिन ये कि आपके लिए एक सस्टेनेबल एक चीज़ बन जाती है जिसमें फिर अब बाद में जाके आपके लिए इशू नहीं होता. आप अपने किसी की शादी आनी होती, कुछ खुदा ना करे कोई बीमार हो सकता है, तो उसके लिए आपके पास क्या चीज़ होती है, एक जिसका सोना होता है, या आपके पास कोई प्रॉपर्टी या कोई प्लॉट होता है जिसको आप बजाय इसके आप किसी से मांगें या किसी को पूछें, तो आपके पास अपनी चीज़ होती है, वो आपने खामोशी से लेके उसको आगे सेल भी कर दिया और उसमें आपको हमेशा मुनाफा ही होता है अच्छी जगह पर. सारे के सारे इस टाइम पर प्रॉफिट के ऊपर है, 10 लाख से ऊपर ही प्रॉफिट है सब. बिल्कुल. तो फिर तो मतलब अब उसके हिसाब से देखें तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग. अगर अभी से उनके सारे अभी वहाँ पे कम्प्लीटली इस तरह से कंस्ट्रक्शन की नहीं हुई है और ऑलरेडी एवरीथिंग इज ऑन प्रॉफिट ओवर देयर, तो यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन होगी, क्योंकि दे हैव एक्चुअली शोन कि हम लोग ये कर सकते हैं. बिल्कुल. दैट्स व्हाई दे हैव एक्चुअली गेन्ड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल. एंड दिस इज़ नॉट, ये जो ऑफर्स होती हैं या कोई अच्छी क्वालिटी सोसाइटी होती है या कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो बाहर ओवरसीज हैं वही इन्वेस्ट करें. मैं तो कहूँगी जितने यहाँ पे काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, चाहे छोटा जैसा भी है, उसमें आपके लिए एक एसेट बनाना ज़रूरी है, बजाय इसके आप लोग इतने लाखों के कपड़े खरीदते हैं जो कि एक दफ़ा पहनने के बाद बिल्कुल वो अलमारी में लटकते रहते हैं, आप और फजूल चीज़ों पे, खानों पे, इस पे खर्च करते हैं. तो बेसिकली आने वाले टाइम्स में आपके पास कोई ऐसी सॉलिड चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि देखें अगर आपने 1 लाख रुपए का जोड़ा लिया है तो वो एक दफ़ा पहनने के बाद ना वो 50,000 का, वो 20,000 का भी नहीं होगा. सही है.
तो आपने वो बेकार गए कपड़े। सो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, तो उसमें होता ये है कि आगे जाके आपको बड़ा एक फ़ायदा मिलता है। मैं तो जितने लड़के लड़कियाँ जो भी काम कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी, उनको अपने पैसे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने चाहिए। और काफी सारे यंगस्टर्स हैं दीस डेज, दे डू कनेक्ट विद मी एंड दे डू टेल मी कि वी वांट टू इन्वेस्ट। मेरे अपने क्लासमेट्स हैं, पुराने फ्रेंड्स हैं, एंड आई ऑलवेज टेल देम, आई ऑलवेज गाइड देम, बिकॉज आई फील लाइक कि ये नॉलेज है जो कि हर कोई आपको नहीं देता। लोग नहीं चाहते कि लोग इन्वेस्टमेंट्स करें, ठीक है, क्यों इतने टैक्सेस लगाए जाते हैं, क्यों ये सब कुछ होता है, इन चीज़ों को हमेशा से जो है रोकने की कोशिश किस हद तक की जाती है, बिकॉज फायदा इसका होता है लोगों को। तो ये इट्स अप टू अस, जो स्मार्ट लोग हैं, ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि फायदा उन्हीं को है और कहाँ पे उनको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शंस। आप लोग अगर चाहे तो नंबर स्क्रीन पे गिवन है, अगेन आई विल से दिस, मेक श्योर कि आप लोग बताएं अगर आप लोग अपने प्लॉट्स वगैरह बुक करवाना चाहेंगे, ताकि हम लोग आपको उस लूप में रखें और जैसे ही हमारे यहाँ पर हमारे पास एंट्री आती है हम आपको बता दें। ऑल्सो वी आर गोइंग टू बी, वी आर एक्चुअली वन ऑफ द बिग डीलर्स ऑफ न्यू मेट्रो सिटी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। amana.com प्लेटफॉर्म, amana.com पे आए, मारिया भी अवेलेबल हैं मेरे से, आप उससे जो कॉमेंट सेक्शन है उस पर बात कर सकते हैं। सेकेंडली, लाइबिलिटीज ना अपने लिए क्रिएट करें। लाइबिलिटी में क्या चीज़ आती है, उधार पे चीज़ें लेना, वो जो है वो आपके लिए ज़िंदगी भर का बवाल है। आप एसेट्स बनाएं, चाहे 5 मरले का है या 2.5 मरले का है या 7 मरले का है या कोई शॉप है या कोई कमर्शियल है, उसमें इन्वेस्ट करें। उसमें हमेशा आपको फ़ायदा ही होगा और आगे जाके आपको कुछ और करने का मौका मिलेगा। हम लोग लाइबिलिटीज़ जो है, मैंने देखा है हमारी सोसाइटी में जो यंगस्टर्स हैं और इवन हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, वो लाइबिलिटीज़ में पड़ जाते हैं सारी ज़िंदगी, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि उसमें आप कोई भी कंफर्ट, कोई भी इंजॉय नहीं कर सकते, कोई चीज़ कहीं बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें आपको पता है कि यार ये फंस गया वहाँ। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी में कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आज से 10-20 साल पहले की प्रॉपर्टी में और अब में कितना ज़मीन और सोने में, दो चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आगे जा कर फ़ायदा होगा। एक तो गोल्ड है और एक प्रॉपर्टी है। सो डू कनेक्ट विद अस, मारिया से जितने नंबर्स चल रहे हैं उसमें कनेक्ट करें, और मारिया हमेशा जो है इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो ये मेट्रो स्मार्ट सिटी है, इंशाल्लाह इसका आपको टूर भी कराना है गुजर खान में, और उससे पहले थोड़ा सा गुजर खान का भी टूर करवाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल भी रखें और सोचें, सोच समझ के इन्वेस्ट ज़रूर करें। सो और I think this is it for today. This is it. मैंने आप लोगों से काफ़ी सारी डिटेल्स, काफ़ी सारी चीज़ें आई बिलीव शेयर की हैं। बाकी जो अमेनिटीज़ हैं आई गेस वो थोड़ी सी अगर रह गई हूँ तो मैं आपको उसके हवाले से बता देती हूँ कि यहाँ पर एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी लिविंग, दैट इंक्लूड्स लाइक ग्रॉसरी स्टोर्स हो गए, पार्क्स हो गए, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी, सड़कें भी होंगी। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब मलिक रियाज साहब और बिलाल स्टील मिल्स जो है वो मिलके, ऑब्वियसली डेवलपर्स टॉप क्लास के हैं, तो वहाँ की जो सड़कें हैं वो ये नहीं होगा कि बारिश हुई तो खड़ल गुड़ल गुड़ल गुड़, ऐसा कुछ नहीं होगा। एब्सोल्युटली। So, I believe ke this is it for today. Thank you so much, Maria. Bahut shukriya. Thank you so much for being here. Thank you so much for joining me, actually. Thank you. Aur agli jo video hogi, wo inshallah we'll go on site, because hum bhi is sofa se zara niklenge, is pyari environment se aapko outdoor le jayenge, so that you have a better idea ki hum log jo aapko is waqt yahan pe bata rahe hain मेट्रो स्मार्ट सिटी गुजर खान के बारे में, उसका एक्चुअल जो चीज़ है हम आपको एक्चुअल चीज़ पे लेके जाएंगे। सो और सुनाए, आप ठीक ठाक हैं? आप कैसी है? आज हमने और कोई बात नहीं की, आज हमने सिर्फ ये बातें की है। बट थैंक यू सो मच मारिया, यू ऑलवेज बीन, थैंक यू सो मच। और अपना ख्याल रखें, जितने देख रहे हैं व्यूअर्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। आपको मेट्रो स्मार्ट सिटी जो है गुजर खान, उसका टूर भी करवाएंगे। तो थैंक यू वंस अगेन, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, कोई भी आप लोगों की क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, मेक श्योर टू कमेंट, और मैं कोशिश करूंगी मैं खुद पर्सनली आप लोगों को उन सारे सवालों के जवाब दे सकूं, आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर सकूं। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगली दफा तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और वशी खान को दीजिए इजाजत। हम मिलके हमेशा कहते हैं टेक केयर, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। amanat.com, पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल। मशवरा अमानत है।